लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी तो अपने प्रत्याशी उतार भी चुकी है, और अगर बात करें फिरोजाबाद से तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव हैं, उनके सुपुत्र अक्षय यादव को यहां से टिकट दिया, क्योंकि अक्षय यादव 2014 से 2019 तक सांसद भी रहे हैं। और वहीं अगर बदायूं क्षेत्र की बात करें तो शिवपाल यादव को वहां से टिकट मिला है, साथ ही डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अपने प्रत्याशियों की सीट उजागर कर दिए, लेकिन फिरोजाबाद में अभी तक तो कोई भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषित नहीं किया है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी ने भी अपने जहां जहां समाजवादी पार्टी के पारिवारिक जो लोग उतरे हुए हैं उनको लेकर के उसने बड़ी बात कही है, और वहां से अपना प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर मुस्लिम वोट किधर जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ वोट करेगा या फिर जो ओबीसी की पार्टी AIMI है उसके लिए। तो यहाँ पर तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, सभी मुस्लिम एरिया के लोग हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से ओबीसी जी ने एक बड़ी बात कही है कि जहाँ जहाँ प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के उतरे हुए हैं वो अपना भी प्रत्याशी उतार रहे हैं, क्या लग रहा है अब की बार मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा? ज़्यादातर समाजवादी पार्टी में ही मुस्लिम वोट जाएगा, और समाजवादी पार्टी के कार्य अच्छे हो रहे हैं, और उन्होंने अपने फिरोजाबाद से अक्षय यादव जी को उतारा है और बहुत ही अच्छा उनका संदेश जा रहा है। कुल मिलाकर जहाँ तक है हिंदू भी सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को, अक्षय यादव जी को, और अखिलेश भैया को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा भी यही समर्थन है कि अक्षय यादव जी को वोट दें और उन्हें भारी बहुमत से जिताएं। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी तो कहते हैं कि मुस्लिम वोट हमारा है और हम इस पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के वो अपना बड़ा दावा ठोक रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ओबीसी का कोई जनाधार नहीं है, और पूरी ताकत से सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं अक्षय यादव को जिताने के लिए, और कामयाबी मिलेगी। अगर देखा जा रहा है प्राय कि यहाँ पर जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं तो वहाँ से ओबीसी भी अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, क्या लग रहा है कि किस तरीके से अब की बार चुनाव रहेगा 2024 को लेकर के? कोई बात नहीं, कुछ अपना मत बताइए। क्या चाचा क्या मत रहेगा, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो काफ़ी समय से इस चीज़ को चुनाव को देख रहे हैं, अब की बार क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी अक्षय यादव को वोट देंगे। अच्छा, ओबीसी ने जो क्या नाम है अपने वोट उतारने की, अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात कही है, वो फिर बात की बात है, अभी तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ सभी लोग अलग अलग कोने से हैं और सब इसी मुस्लिम एरिया से हैं, तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप भी काफ़ी बुजुर्ग मुझे लग रहे हैं क्योंकि आपने काफ़ी चुनाव भी देखे हैं, और इस बार इस साल अगर देखा जाए इस 2024 के चुनाव को लेकर के तो ओबीसी भी अपनी पार्टी की बात अपने प्रत्याशी को उतारने की कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी बात, समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा मुस्लिम वोट या ओबीसी की तरफ? समाजवादी पार्टी की भी जाएगा, जात पात से कोई मतलब नहीं है, जो प्रत्याशी हमारे लिए काम करता है हम उसके लिए वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। समाजवादी पार्टी को देंगे, आप इधर आ जाइए, हाँ देखिए, क्योंकि ये सब पुराने वो लोग हैं, उन्होंने दौर देखा है अपना, और ये बड़ा ही क्लियर तरीके से उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादातर ये लोग बात कर रहे हैं, ओबीसी का पार्टियाँ यहाँ से प्रत्याशी उतरता है तो क्या स्थिति रहने वाली है अब की बार, मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा? सपा को जाना है वोट, और ओबीसी आपको चाहिए किसी से गठबंधन करें तो कामयाब होते हैं, खामखाई वोट बिगाड़ना है उनका, वोट बिगाड़ना है, और ओबीसी साहब को आना नहीं चाहिए, अपना पार्टी उतारना नहीं चाहिए। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से ओबीसी थे साहब ने सपा को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो तो सपा के, वो तो उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के जो परिवार के जो लोग यहाँ से खड़े हुए हैं, चाहे वो फिरोजाबाद हो, बदायूं हो या मैनपुरी हो, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने अपने दिग्गज प्रत्याशियों को उतारा है वहीं पर ओबीसी पार्टी उसे उतारने की बात कर रहे हैं, ये वो अभी सही नहीं समझ रहे हैं, और मुस्लिम वोट सभी समाजवादी पार्टी को ही जाएगा, और समाजवादी पार्टी का ही खुलकर समर्थन कर रहे हैं, सभी समाजवादी पार्टी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ये युवा चेहरा है, इनसे भी बात करें, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सानू, क्या स्थिति रहेगी क्योंकि ओबीसी भी अपने प्रत्याशी को उतारने की बात कर रहे हैं? हम तो सपा में ही देते हैं वोट, हमारा सपा में ही जाता है, समाजवादी पार्टी का वोट है। तो देखिए, और तमाम हम लोगों से बात कर रहे हैं और सबका अपनी अपनी राय जान रहे हैं, यहाँ पर भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कि जिस तरीके से ओबीसी भी अपने प्रत्याशी को उतारने की बात कर रहे हैं, और यहाँ से अक्षय यादव भी 2014 से 2019 तक सांसद रहे हैं समाजवादी पार्टी से, क्या स्थिति रहेगी अब की बार फिरोजाबाद की? आप फिरोजाबाद की देखो, चेक करेंगे तो हम डालेंगे।
आएगा। हाँ आप स्वयं अपना कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या? का हम तो कोई डिसाइड नहीं, सब कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार जी, जी कितने समय से रह रहे हैं आप? ये हो गए कम से कम 30 साल से करीब। 30 साल से रह रहे हैं। हाँ क्या स्थिति रहने जा रही है अब की बार, क्योंकि आप तो पुराने इस मोहल्ले में हैं और ये पूरा मुस्लिम आबादी है, अब की बार यहाँ के लोगों को अगर देखा जाए तो यहाँ का रुख क्या नज़र आ रहा है? ऐसा है समाजवादी पार्टी की तरफ से रुख देखा जा रहा है, और जो है अक्षय यादव जी जो खड़े हैं उसके लिए, और दूसरी चीज़ ये अभी विकास के लिए जो है अक्षय यादव जी ने कभी कुछ नहीं करा यहाँ पे, और आगे वो चल सकता है करें वो आगे, क्यों 5 करोड़ रुपया विकास के लिए मिलता है एक MP को, तो वो अपने अगर विकास के लिए नहीं देगा तो जनता चुनेगी क्या कौन है? अगर वो विकास करेंगे तो चुनेगी वो। अभी ओबीसी तो बड़ा दावा ठोक रहे हैं कि यहाँ से अगर हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट को हम तोड़ लेंगे। नहीं कम चांस है, कम चांस है, कम चांस है। ओबीसी के अगर प्रत्याशी कभी उतरता है और या कोई संपर्क में ऐसा जनसंपर्क हुआ जो यहाँ के कार्यकर्ता रहे हो ओबीसी की पार्टी के, तो कभी आपस में इस चीज़ को लेकर के चर्चा रही हो कि अगर हमारा कोई प्रत्याशी उतरता है तो मुस्लिम वोट हमारी तरफ जाएगा, क्या स्थिति लग रही है वैसे? अब ये तो बैठ के सब लोग मीटिंग करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि मुस्लिम वोट प्लस हिंदू वोट किधर को जाना है। जहाँ तक है समाजवादी पार्टी को ही जाएगा, चाहे वो ओबीसी वाली पार्टी के हो वो भी इधर में ही समर्थन कर रहे हैं लगभग, और फिर देखते हैं समय के अनुसार क्या होता है। तो ये थे फिरोजाबाद के लोग, थे मुस्लिम समाज के लोग हैं। पार्टिकुलर अगर बात करें तो ये पूरा मुस्लिम एरिया है, जहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है तो स्पष्ट साफ ही ज़्यादातर लोगों का रुझान यही रहा है कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम वोट जहाँ एकत्रित होगा वहीं पर जाने की बात कर रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी कही है कि ओबीसी के कम चांस हैं, क्योंकि अगर ओबीसी के आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूर्व में भी 2014 से 2019 में अक्षय यादव ने यहाँ पर काम किए, तो उनके लेकर के सभी लोगों का जो रुझान था वो यही है कि आगामी समय में जो भी है वो समाजवादी पार्टी के साथ नज़र आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज़ स्टेट, फिरोजाबाद।